ये है Realme 9i और ये Redmi 9i। तो आज इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी नाम एक जैसे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन किया जाए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस जान लेते हैं। तो Realme 9i Realme द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ये नया स्मार्टफोन है, जो आपको अभी करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो है 13,999 रुपए। वहीं Redmi 9i आपको 9,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बॉक्स पैकिंग पे नजर डालें तो Redmi 9i पर आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में दिया गया है, ऊपर नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड लिखा गया है और Realme पर मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड लिखा हुआ है नीचे की साइड। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं Realme 9i से। सबसे ऊपर आपको एक येलो कलर का मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसे ओपन करने पर अंदर आपको मिलते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन और फोन की सेफ्टी के लिए एक फ्लेक्सिबल सिलिकॉन का कवर दिया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, इसे हम फिलहाल रखते हैं साइड में। अंदर आपको एक बड़ा साइज का हैवी चार्जर अडैप्टर दिया गया है, 33 वॉट का ये फास्ट चार्जर आपको इसके साथ मिल जाता है, जो फोन को लगभग एक घंटे कुछ मिनट में 100% फुल चार्ज कर देगा। और इसमें आपको मिलती है टाइप सी यूएसबी केबल, केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। अब आते हैं हम Realme 9i पर। तो सबसे ऊपर रखा है स्मार्टफोन, इसे भी फिलहाल के लिए साइड रख लेते हैं। अंदर आपको एक मिनी बॉक्स जिसके बैक साइड में लगी है सेम एग्जैक्ट पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, कवर आपको Redmi 9i नहीं देता है। अंदर आपको एक ब्लैक कलर का चार्जर अडैप्टर दिया गया है और ये नॉर्मल चार्जर है 10 वॉट का। और इसके बाद आपको एक ब्लैक कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल इसमें मिलती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइज दोनों का लगभग एक जैसा है और Redmi 9i में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और Realme 9i में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है। स्क्रैच गार्ड Realme 9i पर पहले से लगा हुआ मिल जाता है, Redmi 9i पर आपको कोई भी स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी एक नया स्मार्टफोन परचेस करते हो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए। और ये है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल, काफी डिफरेंट आपको दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल देखने को मिलेंगे। दोनों पर आपको प्लास्टिक बॉडी दी गई है कर्वी बैक पैनल के साथ। सबसे पहले Realme 9i का एक पैनल देखें तो इस पर आपको काफी अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जिस पर लाइट रिफ्लेक्शन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन विदाउट कवर इसे कभी यूज न करें, इस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और Redmi 9i का बैक पैनल देखें तो नॉर्मल सी एक फिनिशिंग आपको मिलती है मैट फिनिश के साथ, एक लाइनिंग जिस पर Redmi की ब्रांडिंग और इस साइड आपको लाइनिंग देखने को मिलेंगी जिन पर रिजेस हैं और इन पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस पर दिया ही नहीं गया है, ना ही साइड में, ना ही इन डिस्प्ले और ना ही रियर में। कोई फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Redmi 9i में नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को एक साथ देखें तो Realme आता है ट्रिपल कैमरा के साथ और Redmi आता है सिंगल कैमरा के साथ। Realme 9i में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। Redmi 9i में आपको एक 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट मिलता है। फ्रंट में पंच होल के अंदर Realme 9i में 16 मेगापिक्सल का और Redmi 9i में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल के राइट साइड में आपको पावर ऑन की मिल जाती है, लेकिन वॉल्यूम रॉकर्स आपको Realme में लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, जबकि Redmi 9i में राइट साइड में ही मिलते हैं। ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए मिल जाता है Realme 9i में। Redmi 9i में आपको कोई सेकेंडरी माइक नहीं दिया गया है, यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, वॉल्यूम रॉकर्स Realme में लेफ्ट साइड में और बॉटम में 3.5
3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है रियलमी में। इसके अलावा आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दोनों स्मार्टफोन के बॉटम में मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन को हमने ऑलरेडी बूट करके रख लिया है, तो सबसे पहले इनकी जो ब्राइटनेस है उसे हम 100% करेंगे ताकि डिस्प्ले हमें और अच्छे से देखने को मिल जाए। तो करीब से आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को दिखाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको रियलमी 9i की देखने को मिलती है, जबकि रेडमी 9i में आपको कलर्स तो अच्छे मिलते हैं, ब्राइटनेस बहुत कम दी गई है। 270 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें मिलती है, जबकि 480 निट्स की ब्राइटनेस आपको रियलमी 9i में मिलती है। और एज बेजल्स भी आपको दिखा देते हैं, तो रियलमी 9i में आपको बहुत ही थिक बेजल्स देखने को मिलेंगे, नीचे से भी कम ही दिए गए हैं, जबकि रेडमी 9i में आपको बहुत ही ज्यादा बेजल्स नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर भी आपको ज्यादा बेजल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है रियलमी 9i में और रेडमी 9i में 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के आइकन आप देखें यहाँ पर, यूजर इंटरफेस भी आपको दिखा देते हैं, तो Realme में स्क्रॉल अप करने पर और Redmi में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो Realme 9i आपको दे रहा है 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2412 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 400 PPI की दी गई है। वहीं Redmi 9i में आपको मिलती है 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की मिलती है। और अब हम नजर डालेंगे सेटिंग पर, शुरुआत हम Realme 9i से करते हैं। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे तो अंदर का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप डिवाइस नेम देखिए, Realme UI वर्जन 2.0, एंड्रॉइड वर्जन 11, प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है 2.2 GHz का ऑक्टा कोर मिलता है आपको इसमें, और चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का दिया गया है। 4GB रैम प्लस 1GB वर्चुअल रैम आपको इसमें मिल जाती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज और एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें 1TB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 46GB फोन में आपको अवेलेबल यूज के लिए दिया गया है। 6nm का फैब्रिकेशन और एड्रीनो 610 के ग्राफिक आपको इसमें दिए गए हैं। वहीं पर बात करें Redmi 9i की, तो इसकी सेटिंग को हम ओपन करें तो यहाँ का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। MIUI वर्जन 12.0.18 का आपको इसमें मिलता है। स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको स्टोरेज मीटर में मिल जाएगी, जहाँ आपका स्टोरेज यूज हुआ है उसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 10Q मिल जाता है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो इसमें भी आपको 4GB रैम मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से 52GB अवेलेबल है यूज के लिए, और एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है और चिपसेट MediaTek Helio G25 का दिया गया है। इसके अलावा 12nm का फैब्रिकेशन और पावर VR G8320 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। चलिए एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर भी डालते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हमने ओपन कर दिया है, जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए। और ये यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरा दिखाते हैं। तो ज्यादा ब्राइट और कलरफुल कैमरा आपको Realme 9i का देखने को मिलेगा, ज्यादा मेगापिक्सल का है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग ज्यादा होगी। तो Realme 9i के कैमरा से हम जूम करें तो पूरा का पूरा आप इससे 10 गुना जूम कर सकते हो। ये रही इसके 10x जूम क्वालिटी, तो ठीक ठाक जूम आपको इसका मिल जाता है। फुल जूम होने के बाद भी कलर्स उतने फीके नहीं पड़ते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देने में तो यहाँ पर Realme ने कंजूसी कर दी, अगर दिया होता तो और भी बढ़िया हो जाता। नाइट मोड आपको इसमें मिल जाता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है। मोड सेटिंग में देखें तो स्लो मोशन, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट मोड, एक्स्ट्रा HD मोड, पैनोरमा मोड और टेक्स्ट स्कैनर अल्ट्रा माइक्रो मोड आपको इसमें मिल जाता है। वहीं Redmi 9i का कैमरा देखें तो इससे भी आप पूरा 10 गुना जूम कर सकते हो। ये हमने 10x जूम कर दिया है और इसका 10x जूम भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। एक बार आपको दोनों स्मार्टफोन के 10x जूम क्वालिटी दिखा देते हैं, तो कलर्स यहाँ पर Redmi 9i में भी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ठीक ठाक कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पूरी टक्कर दे रहा है 10x जूम में Redmi 9i Realme 9i को। इसमें भी पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्रो मोड दिया गया है, और यहाँ पर मोड सेटिंग में देखें तो नाइट मोड, टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो दिया गया है, लेकिन स्लो मोशन में अगर वीडियो शूट करते हो तो वो आपको Redmi 9i में नहीं मिलता है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी कैमरा में Realme 9i का ही आपको बेस्ट कैमरा देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही फीका लग रहा है Redmi 9i का जो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, वो यहाँ पर कहीं से भी टक्कर नहीं दे पा रहा Realme 9i के कैमरा को। फ्रंट कैमरा से जूम करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा से आप जूम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थे 9000 और 13000 रुपए की कीमत में मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन Redmi 9i। काफी लंबे टाइम से Redmi का 9i मार्केट में चल रहा है, अभी 10i आया नहीं है। जब आएगा हमारे चैनल पर आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये मोबाइल मुझे अच्छा लगा, ये कभी कभी सेल के अंदर आपको मात्र 8000 रुपए का भी मिलता है, कभी 8500 रुपए का, कभी 9000 रुपए का। इसकी प्राइस का कभी कोई ठिकाना नहीं रहा। वैसे Realme 9i अभी नया सेट लॉन्च हुआ है, 13000 रुपए में बेस्ट प्राइस है, लेकिन अगर ये आपको 14000 रुपए के अंदर मिलता है तो आपके लिए अदर ऑप्शन भी खुले हैं, कई अदर ऑप्शन इससे बेटर आपको मोबाइल मिल जाएंगे।